वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2,150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर 18 से ऊपर आयु के वर्ग को दी गई वैक्सीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें 20,25,00,000 से अधिक लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन के डोजेस दिए हैं, जिनमें से 12,84,94,516 फर्स्ट डोज लिए हैं, 7,40,93,819 लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं। थर्ड वेव की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है, यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। यह सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो कोमॉर्बिड है उन लोगों को इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वैसे भी बीमारी से जितना सावधान और सतर्क रहा जाए वो बचाव का सर्वोत्तम उपाय है।